हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज विजुअल एंगल। सबसे पहले हम विजुअल एंगल देखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज हमारे आई लेंस पे जो इमेज एंगल बनाता है, सॉफ्टेन करता है, उसी एंगल को हम विजुअल एंगल कहते हैं। जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया यहां पे ए बी, अब इसका आप देखें जो विजुअल एंगल होगा ये बने, दिस इज अ विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन द रेटिना और आई लेंस ऑफ आवर आई। यहां पे आई लेंस पे ये एंगल अल्फा बन गया और इसी एंगल को हम विजुअल एंगल कहते हैं। इसके चलते यहां पे इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, ये रेटिना पे जो इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश। अब जरा देखें आप इसी ऑब्जेक्ट को जिसकी हाइट एच है, थोड़ा सा स्लाइड कर दिया हमने, पोजीशन सी डी पे लिया है, यहां पे इसकी इमेज क्या बनेगी? इसकी इमेज बनेगी, हम इसको बी डबल डैश एज्यूम कर रहे हैं। अभी एंगल कितना होगा? अभी ये एंगल जो है बीटा होगा। विजुअल एंगल बीटा इज लेस देन अल्फा एंड व्हाट दिस इंप्लाई द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस ए डैश बी डबल डैश इज स्मॉलर देन द इमेज इन द प्रीवियस केस। मतलब ये है कि वही ऑब्जेक्ट अगर हमसे दूर जा रहा होता है तो उसके द्वारा जो सॉफ्टेंडेड विजुअल एंगल होगा आई लेंस पे वो छोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे विजुअल एंगल छोटा होगा उसका इमेज जो रेटिना पे बनेगा वो भी छोटा होता जाएगा। तो इस डिस्कशन से हमने एक बात तो समझ ली कि विजुअल एंगल जितना ही बड़ा होगा वो ऑब्जेक्ट या इमेज हमको उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। अब चाहे कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, जैसे सन ले लीजिए, मून ले लीजिए, लेकिन वो हमसे दूर है, और जब दूर है तो उसके द्वारा जो बनाया गया विजुअल एंगल होता है, आपको पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस बहुत बड़ा है तो एंगल क्या होगा? बहुत छोटा होगा। जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का पर्पस यही होता है कि हम किसी भी तरह से विजुअल एंगल को बढ़ाएं, और जब विजुअल एंगल बढ़ेगा तो जो इमेज दिखाई देगा हमको वो बड़ा नजर आएगा। यानी जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, टू इंक्रीज द विजुअल एंगल। अब दूसरी एक चीज आती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। हम सभी जानते हैं कि हम एक समय में डिस्टेंट स्टार्स को देख रहे होते, उस समय हमारा आई लेंस बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है, और जब आई लेंस रिलैक्स्ड होता है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है बड़ी होती, और इस केस में इसकी फोकल लेंथ जो है शॉर्ट होती, और जब फोकल लेंथ शॉर्ट होगी तो आई लेंस का पावर मिनिमम होगा, हम रिलैक्स्ड होकर के जो है चीजों को दूर देख रहे हैं। लेकिन जैसे हम नजदीक देख रहे होते हैं तो हमारी आई लेंस की जो सर्फेसेस हैं उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो शॉर्ट हो जाती है, और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर शॉर्ट हो जाएगी यानी कर्वेचर बढ़ जाएगा, और जब कर्वेचर बढ़ जाएगा तो उसकी पावर बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ घट जाएगी। यानी हम अपने आई लेंस की फोकल लेंथ को अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने आई लेंस के पावर को, फोकल लेंथ को वैरी कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। वी कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बाय फोकसिंग आवर आई लेंस ऑन दोज ऑब्जेक्ट्स। दिस एबिलिटी ऑफ आवर आई इज कॉल्ड इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, वास्तव में सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम टाइनी ऑब्जेक्ट्स को, क्लोज टाइनी ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी
क्लोज टाइनी ऑब्जेक्ट्स विद क्लैरिटी इज कॉल्ड ऑप्टिकल सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास. इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं. अब आप देखें, इसमें हमने एक शॉर्ट फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है. इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इसका प्रिंसिपल ये होता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखें तो इसका वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज उसी साइड में बनता है. यही इसका प्रिंसिपल है. तो हमने इस ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा. आप देखिए, इसका वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है. कैसे बन रहा है? ये पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इसके सेकंड फोकस से पास कर रही है और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है ये स्ट्रेट निकल जाएगी. दोनों रे जो है डाइवर्जिंग है, यानी बैक करेंगे तो ये यहां पे एक दूसरे को मिलती हुई प्रतीत होंगी, यहां से आती हुई प्रतीत होंगी. यानी पॉइंट बी का इमेज जो है बी डैश पे बनेगा और ए का सिमेट्रिकली ए डैश पे बनेगा. यहां से हम इस इमेज को देख सकते हैं, यहां से हमारी आंखें इसको देखेंगी. तो अब हम ये देखेंगे कि पहले विदाउट लेंस, विदाउट सिंपल माइक्रोस्कोप जो ऑब्जेक्ट था वो कितना विजुअल एंगल बनाता था. तो हम मान रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है ए बी और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? ऐसा नहीं होता है विजुअल एंगल को बढ़ाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल आंख के बिल्कुल पास लाएंगे और देखेंगे जो है, हम ये सोचेंगे कि विजुअल एंगल बड़ा होगा इसलिए इसका इमेज भी बड़ा होगा. विजुअल एंगल तो बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जब आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से करीब लाओगे इस ऑब्जेक्ट को तो इसका इमेज ब्लर जो है दिखाई देगा, क्लियर नहीं होगा, क्लैरिटी जो है डिक्रीज करती जाए, ब्लर्ड हो जाए. तो वह मिनिमम डिस्टेंस जहां तक हम उस ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियरली देख सकते हैं उसी मिनिमम डिस्टेंस को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं. हेल्दी ह्यूमन आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर होती है. इसे हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. ये हम सपोज कर ले रहे हैं कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे अगर ये माइन्यूट ऑब्जेक्ट रखा गया होता तो ये विजुअल एंगल अल्फा सॉर्टेड करता और सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा जो फाइनल इमेज बनाया गया है यह विजुअल एंगल बना रहा है बीटा. हम अभी हाल फिलहाल ये जूम कर रहे हैं कि ये डिस्टेंस जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ही है. ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन ये है कि मैग्नीफाइंग पावर जो हम कैसे फाइंड करेंगे. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, एक्चुअली मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल फॉर्मड बाय द इमेज अपॉन और आई टू दैट ऑफ द विजुअल एंगल फॉर्म बाई द ऑब्जेक्ट, दैट इज बीटा अपॉन अल्फा. हियर बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. अब आप ये चीज ये भी देखोगे, फिगर में तो ये एंगल्स जो है बड़े नजर आएंगे लेकिन ये एक्चुअली जो है ये एंगल्स बहुत छोटे. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है माइन्यूट ऑब्जेक्ट, शॉर्ट ऑब्जेक्ट ही है. तो सिंस एंगल बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर दे कैन बी रिटन एज टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा. टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा हम इसको ले लेंगे. एंड व्हाट अबाउट टेन बीटा? टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो ए बी अपॉन सी ए. दिस इज ए बी अपॉन सी ए. एंड व्हाट अबाउट टेन अल्फा? टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन डी. सो दिस इज ए बी अपॉन डी. ए बी विल बी कैंसिल विद ए बी एंड यू आर लेफ्ट विद एम इज इक्वल टू डी अपॉन सी ए. एंड सी ए इज व्हाट? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. आई एम सपोजिंग दिस डिस्टेंस टू बी यू. सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. एम इज इक्वल टू डी अपॉन यू. एक्चुअली यू को, यू जो है प्रैक्टिकली ये मेजर करना हम इसको यू को जो है इसके फोकल लेंथ के टर्म में लिखते हैं. जो लेंस है इसका फोकल लेंथ गिवन होता है
तो हम यू को लेंस की फोकल लेंथ के टर्म में लिखेंगे। इसके लिए हम दो स्पेशल केसेस जो है सोच रहे हैं। स्पेशल केसेस जो है हम यहां पे देखेंगे, व्हाट आर स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, फर्स्ट स्पेशल केस है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फाइनल इमेज बना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। When the final image is formed at least distance of distinct vision, आप देखें कि ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, इस केस में u की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस u, v की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस v, और f की जगह f लिखेंगे। फार्मूला यूज करते हैं, 1 by f is equal to 1 by v, 1 by v means 1 upon minus d, minus 1 upon u, u की जगह हमने माइनस u लिखा है, हमको क्या चाहिए, d upon u, d से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में, ये हो जाएगा d अपान f इज इक्वल टू माइनस वन प्लस d अपान u, यानी d अपान u इज इक्वल टू वन प्लस d अपान f, d अपान u इज इक्वल टू वन प्लस d अपान f, और यही मैग्नीफाइंग पावर, m इज इक्वल टू d अपान u, दैट इज इक्वल टू वन अपान वन प्लस d अपान f। यानी हम कह सकते हैं कि जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना हो, तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू 1 प्लस डी अपॉन एफ हो। अब हम सेकेंड केस सोचेंगे कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, अगर यही इमेज इंफिनिटी पे बना हो तब बनेगा ये इमेज। इंफिनिटी पे बनने के लिए इस ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रख दीजिए, और जब फोकस से रखोगे तो जो पैरेलल रे होगी वो फोकस से जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ये दोनों पैरेलल हो जाएगी। इसका मतलब इसका इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे इमेज बनाने के लिए यू की जगह पे आपको एफ लिखना पड़ेगा, और तब फार्मूला हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर का, एम इज इक्वल टू डी अपॉन एफ, ये फार्मूला हो जाएगा, एम इज इक्वल टू डी अपॉन एफ। तो अगर हमको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना हो, जैसे फोकल लेंथ किसी कॉन्वेक्स लेंस की 5 सेंटीमीटर हो, तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या होगी, तो मैग्नीफाइंग पावर जो है m इज इक्वल टू d अपॉन f, यानी 25/5, दैट इज इक्वल टू 5, ये मैग्नीफाइंग पावर होगा जब जो है फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बना, और इसमें आप प्लेस करोगे तो 6 वैल्यू होगी, यानी मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू जो है जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ऑब्जेक्ट बने इमेज बनेगा तो उस केस में 6 होगी, और जब इंफिनिटी पे बनेगा तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू 5। एक्चुअली जब इमेज इंफिनिटी पे बनता है तो उसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि हम रिलैक्स्ड कंडीशन में हमारी आई जो होती है, जो इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको बहुत रिलैक्स्ड वे में जो है वो ऑब्जर्व करती है, दैट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। थैंक्स।